जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि रेखीय गति में होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी। अगर वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, जिसे कि हम न्यूटन के गति का पहले नियम के रूप में पढ़ते हैं कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात यदि हम उस पर बल लगाते हैं वस्तु पर, तो वह वस्तु क्या कर रही है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है, लेकिन बल लगाते हैं तो उस अवस्था का विरोध करती है, वो अपनी विराम अवस्था में जो रहती है उस रहने का प्रवृत्ति का, या गति अवस्था में है तो उस अवस्था का विरोध करेगी। यह स्थिति हम देखते हैं रेखीय गति में कि वस्तु विराम में है और उस पर हम बल लगाते हैं तो अपनी अवस्था का परिवर्तन, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वो गति अवस्था में नहीं आना चाहती। या ऐसा कोई गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु पर अगर हम बल लगा करके उसको रोकना चाह रहे हैं तो वह अपनी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती, अर्थात उसका विरोध करती है। इस प्रकार किसी पिंड का जितना यह जो विरोध है, अर्थात ये जो प्रवृत्ति है उसकी अपने उस अवस्था में रहने वाली, उस प्रवृत्ति को ही हम उस पिंड का जड़त्व कहते हैं। कैसा? जैसे इसमें हम गति के नियम की ही चर्चा करें अगर, तो वहां पर विराम अवस्था में है विराम जड़त्व रहेगा, गति अवस्था में है गति का जड़त्व। तो प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहता है वस्तु, और उसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का, उसका जड़त्व गुणधर्म उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक, कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम। यानी जड़त्व जो है वह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो वस्तु अगर विराम में है, ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु, तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, उसको हम बल लगाएंगे वो ज्यादा ही विरोध करेगा। या गति में है उस स्थिति में भी ऐसा ही विरोध होगा। ठीक इसी तरीके से मतलब कैसे, हम चर्चा कर रहे थे रेखीय गति के बारे में कि वह अपनी जो जिस अवस्था में भी है उस अवस्था का बल लगाए जाने पर उस अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यह विरोध उसका जड़त्व गुणधर्म हो गया। ऐसे ही हम किसी पिंड के बारे में, दृढ़ पिंड के बारे में चर्चा करें कि यदि कोई दृढ़ पिंड स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगा, और अगर दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, दृढ़ पिंड अक्ष के परितः घूम रहा है, स्वयं में से होकर के जाने वाली अक्ष के परितः, तो वह पिंड, दृढ़ पिंड जो है वह दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः यदि घूम रहा है तो वह सदैव उसी रूप में, उसी अक्ष के परितः उसी वेग से और उसी दिशा में, क्या बोला गया, उसी अक्ष के परितः उसी वेग से उसी दिशा में घूमता रहेगा। किस वेग से? उस कोणीय वेग से, जिस कोणीय वेग से वह घूम रहा है, जब तक कि उस पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए। तो यहां पर एक शब्द आया बल आघूर्ण,
बोला जा रहा है कि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और अगर वो घूम रहा है तो उसी रूप में उसी कोणीय वेग से घूमता रहेगा जब तक कि पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता। अर्थात पिंड में एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण वह किसी अक्ष के प्रति अपनी गति में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इन दोनों के बारे में अगर हम एक बार देखें पुनः, तो रेखीय गति में पिंड है या वस्तु, यह वस्तु विराम में है अथवा गति में है, विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, तो बल लगाने पर ये अपनी इस अवस्था में जो परिवर्तन इस बल के प्रभाव से होता है या परिवर्तन हो सकता है, उस परिवर्तन का यह विरोध करता है। यह वस्तु विराम अवस्था में है तो गति में नहीं जाना चाहेगा, गति में है तो वो विराम में नहीं जाना चाहेगा। वही विरोध इसका क्या हो गया, वही गुणधर्म इसका क्या है, जड़त्व। वही प्रवृत्ति क्या है इसकी, जड़त्व। दृढ़ पिंड या वस्तु के बारे में चर्चा करें तो दृढ़ पिंड भी ऐसे ही, अगर वह विराम में है या किसी अक्ष के प्रति वह घूम रहा है तो वह अपनी विराम अवस्था से घूर्णन वाली अवस्था में या घूर्णन वाली अवस्था से विराम वाली अवस्था में जो परिवर्तन होता है किस कारण से, बल आघूर्ण के कारण से, उस बल आघूर्ण के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन ये इस अक्ष के और घूम रही है वस्तु पिंड, तो यहां पर यदि विराम है तो गति में नहीं आएगी, आना चाहेगी, और यदि वो गति कर रही है घूम रही है तो वो विराम में नहीं आना चाहेगी। तो इसकी जो प्रवृत्ति है इसमें ऐसा क्या है भाई, बल आघूर्ण तो एक बल है जो कि घुमाने का प्रभाव दिखाता है, घुमा सकता है, लेकिन उस का इस बल आघूर्ण का जो विरोध कर रहा है वह विरोध ही कहलाएगा जड़त्व अघूर्ण। जैसे मान लो एक पिंड है, यह अक्ष ए बी के परितः घूम रहा है, यह पिंड कई कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे इनकी जो दूरियां हैं, मान लो एक कण यहां पर है m वन द्रव्यमान का, एक कण यह है m टू द्रव्यमान का, एक m थ्री द्रव्यमान का, इस तरीके से कई कणों से मिलकर के यह बना हुआ है। यह इस अक्ष AB के परतः यदि इसको घुमाया जा रहा है, इस पिंड को अक्ष AB के परतः क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो इसको घुमाने के लिए इस पिंड पर बल आघूर्ण, इस पिंड के लिए जो यहां पर जो बल लगाएंगे हम, अर्थात इसका बल आघूर्ण जो होगा इस पिंड का, उस बल आघूर्ण का विरोध यह पिंड करेगा। वह इसकी प्रवृत्ति जो है, यही प्रवृत्ति जो है इसका जड़त्व आघूर्ण है। अर्थात जड़त्व आघूर्ण को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में, क्या बोला गया कि घूर्णी गति में कोई पिंड
उसकी उसकी मतलब उस पिंड की घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल अघूर्ण का विरोध करता है। वह पिंड जो है ये पिंड जैसे है, ये इस पर लगाया गया जो बल अघूर्ण है उस बल अघूर्ण का क्या कर रहा है यह पिंड, विरोध कर रहा है। लगाया गया बाह्य बल अघूर्ण का विरोध करता है उस पिंड की इस प्रवृत्ति को, उस पिंड की यानी इस पिंड की यह प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, विरोध वाली जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम उसका जड़त्व अघूर्ण कहते हैं। कणों के लिए देखते हैं अगर हम इसको गणितीय व्यंजक के रूप में, तो यदि पिंड जो है कई कणों से है, मानते हैं कि M1, M2, M3 इस प्रकार से कई कणों से मिलकर के बना हुआ है। माना एक पिंड है जिसमें M1, M2, M3 इस प्रकार से कई कण हैं, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां R1, R2, R3 क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहले पिंड की यानी M1 द्रव्यमान वाले पिंड की दूरी जो है वो R1 है, M2 वाले की R2, M3 वाले की R3 इस प्रकार से। तो इस अक्ष AB के परितः पिंड का कुल जड़त्व अघूर्ण, तो वह मान क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पहले कण का जड़त्व अघूर्ण पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे का जड़त्व अघूर्ण, अर्थात पहले कण के लिए ले लेंगे तो पहले कण के लिए जड़त्व अघूर्ण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, दूसरे के लिए M2 R2 स्क्वायर, तीसरे कण के लिए देखते हैं तो M3 R3। इनको हम जैसे देख रहे हैं इससे हम इस निष्कर्ष से पहुंच रहे हैं कुछ कि ये जो जड़त्व आघूर्ण है ये जड़त्व आघूर्ण किसका, पहले कण का देखे, दूसरे का, तीसरे का, क्रमशः जितने कणों से मिलकर के बना हुआ है उन सभी के लिए हम देखते हैं। तो इसमें पहले कण की स्थिति है R1, दूसरे की ये है R2, तीसरे के लिए है R3, इस प्रकार अलग अलग दूरियों पर ये है। तो इनका मान क्या हो रहा है, पहले कण के लिए आ रहा है पहले कण का द्रव्यमान और उस अक्ष से पहले कण की जो दूरी है उस दूरी का वर्ग का गुणनफल, दूसरे के लिए देख रहे हैं तो दूसरे कण का द्रव्यमान, दूसरे कण के लिए जो दूरी है उस दूरी का वर्ग का और दूसरे कण के द्रव्यमान का गुणनफल, क्रमशः इसी रूप में आगे। तो इस पूरे पिंड का, इस पूरे पिंड का जड़त्व अघूर्ण बराबर इन समस्त कणों के जड़त्व अघूर्ण, अर्थात आई संकेत से दर्शाते हैं इसको, तो आई बराबर हो जाएगा, सबको योग कर लें, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर इस प्रकार से, या इसको इस व्यंजक को इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिग्मा M R स्क्वायर। ये इस सूत्र से हम इसके मात्रक पर पहुंचते हैं, तो इसका मात्रक आएगा इस सूत्र में क्या है, यह है द्रव्यमान और यह है दूरी का वर्ग, अर्थात द्रव्यमान का मात्रक और दूरी का। तो ऐसे ही पद्धति में चलें तब यह हो जाएगा किलो ग्राम और दूरी, दूरी का मात्रक है मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके लिए विमी सूत्र की, विमी सूत्र इसका होगा
इसका बिंबी सूत्र हो जाएगा एम एल दो, ये एम की घात एक, एल की घात दो और टी की घात शून्य समय, यहां पे बीमा नहीं है, किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान एक बार है, घात एक आया, लंबाई मीटर जो है दूरी उसका घात दो, तो मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बिंबी सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर। एक फॉर्मेट में लिखे तो पूरा तो एम एल, एम की घात एक, एल की घात दो, टी की घात जीरो। यह था बिंबीय सूत्र। इसी से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करें यहां पर हम। जड़त्व आघूर्ण एक स्थिति लेते हैं, या ऐसा कहें कि एक प्रश्न जिसमें माना 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी शून्य दशमलव पांच मीटर हो तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हल। तो अब प्रश्न को समझने क्या बोल रहा है, एक पिंड है और वह किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। अब घूम रहा है तो किसके प्रभाव से घूम रहा है, वो बल आघूर्ण के प्रभाव से। हमको बताना है उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। जैसा कि जड़त्व आघूर्ण की व्याख्या हम बताया शुरू में कि कोई दृढ़ पिंड जो है किसी अक्ष के परितः यदि घूम रहा है, स्थिर है या घूम रहा है, और उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाते हैं, तो बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर उस पिंड में जो अवस्था में, उस पिंड की जो अवस्था में परिवर्तन होता है या हो सकता है, उसका पिंड विरोध करता है, और यही प्रवृत्ति उसकी जड़त्व आघूर्ण है, जिसका कि सूत्र आई बराबर एम आर की घात दो, अर्थात पिंड का द्रव्यमान, उस कण का द्रव्यमान
शून्य दशमलव एक किलोग्राम द्रव्यमान का जो पिंड है वह उस पिंड का द्रव्यमान, और ये r, r क्या है, घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उस दूरी का, उस दूरी का मान, तो i इक्वल टू आ गया m r स्क्वायर। यह सूत्र है, इस सूत्र में हम देखें तो हमको मान दिया हुआ है, क्या क्या इसमें ले सकते हैं कि m बराबर द्रव्यमान का मान, तो द्रव्यमान बराबर दिया है ये 0.1 किलोग्राम। R का मान, R का मान बराबर है 0.5 मीटर, तब इस सूत्र से I बराबर 0.1 गुणा 0.5 जिसकी घात हो जाएगी 2। ये इस बिल्कुल कोई सरलतम रूप में बराबर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या जाएगा 0.025 किसका मान, आई का मान। मात्रक लगा लेंगे इसका, ये मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात 2। तो यह जड़त्व अघूर्ण, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जड़त्व अघूर्ण जो है वो एक अदिश राशि है। तो ये था जड़त्व अघूर्ण का मान उस पिंड के लिए जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है और वो घूर्णन अक्ष पर घूम रहा है जिसकी की दूरी है 0.5 मीटर अक्ष से। तो पिंड का जड़त्व अघूर्ण का मान प्राप्त हुआ 0.025 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम एक प्रश्न देखें, इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देंगे इधर कि एक 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के पृथक घूम रहा है, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड, यहां पर ध्यान देंगे प्रश्न में, घूर्णन अक्ष से पिंड के, पिंड के द्रव्यमान केंद्र, कंप्लीट प्रश्न ये हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी अक्ष के पृथक घूम रहा है, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी 0.5 मीटर हो तो पिंड का जड़त्व अघूर्ण ज्ञात करेंगे। देख लेंगे प्रश्न को, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के पृथक घूम रहा है, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी 0.5 मीटर हो तो पिंड का जड़त्व अघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके लिए ये मान को हम इस सूत्र में रखें और आई बराबर हमको प्राप्त हुआ जड़त्व अघूर्ण का मान 0.025 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन त्रिज्या, क्या है घूर्णन त्रिज्या, तो किसी पिंड के घूर्णन त्रिज्या से तात्पर्य, जैसे यह पिंड है, इस पिंड को हम मान लेते हैं कि यह एक्स वाई अक्ष के परितः घूम रहा है,
ये पिंड जो है इस एक्स वाई अक्ष के परतः क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है, यह घूर्णन अक्ष है तो उस बिंदु की लंबवत दूरी, जैसे हम यहां पे बिंदु ले लिए, यह बिंदु, वो दूरी, उस बिंदु की दूरी, माना यह दूरी कितना है k। किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण या समस्त द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इसे कैसे दर्शाते हैं, तो घूर्णन त्रिज्या को संकेत कैसे दर्शाएं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर I इक्वल टू हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर, m के स्क्वायर। सूत्र से भी परिभाषित कर लें इसको हम एक बार, क्या बोला गया है, किसी पिंड के लिए घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लिया जाए, तो मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यदि हम दूरी के पर पिंड के द्रव्यमान को मानते हैं केंद्रित, तो इस के दूरी के लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अर्थात किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, अब इस सूत्र से हम घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं, अभी तो हम परिभाषित किए कि ये जो दूरी है इस दूरी पर अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मानते हैं और उस स्थिति में जो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं वह जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर प्राप्त होता है इस रूप में। अब इस सूत्र से देखें तो इस सूत्र के हिसाब से अर्थात I इक्वल टू एम के स्क्वायर वाले सूत्र के अनुसार किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या अर्थात के घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिसका वर्ग का उस पिंड के द्रव्यमान से, जिसके वर्ग का उस पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, अर्थात I इक्वल टू एम के स्क्वायर। यानी कि हम यहां पे क्या किए, k का वर्ग करके इस पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर दिए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जड़त्व आघूर्ण I प्राप्त हुआ। इसी समीकरण को और आगे सॉल्व करते हैं, k इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा इसमें फिर I अपॉन m, या k इक्वल टू रूट I अपॉन m। अतः किसी अक्ष के परतः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, किसी अक्ष के परतः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान, उस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है, कौन, घूर्णन त्रिज्या के। इसका मात्रक हो जाता है, दूरी का मात्रक अर्थात मीटर, इसका मात्रक हुआ मीटर। विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र होता है m की घात जीरो l t की घात जीरो। ये यह था घूर्णन त्रिज्या। अब इसमें I
आगे देखते हैं, यदि एम द्रव्यमान के पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परतः घूर्णन त्रिज्या के हो तो सूत्र आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो उस समय उस के त्रिज्या अर्थात के दूरी पर स्थित जो कण है पिंड के लिए जो दूरी है उसके लिए जड़त्व घूर्ण का मान एम द्रव्यमान के पिंड की किसी घूर्णन अक्ष के परतः घूर्णन त्रिज्या के है तो जड़त्व घूर्ण आई बराबर हो जाएगा आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। परंतु घूर्णन अक्ष से दूरी वाला सूत्र के रूप में चले हम तो आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, तब हमको प्राप्त हो जाएगा एम के स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। यहां पर के जो है वो तो घूर्णन त्रिज्या है और ये सिग्मा एम आर स्क्वायर मतलब अलग अलग कणों के लिए अलग अलग दूरियों पर स्थित जो कण है उनके लिए जड़त्व घूर्ण, तो इसको सभी को लेते हैं हम तो यहां पे क्या आएगा एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर क्रमशः बराबर एम के, या के का मान ले लें तो के बराबर हो जाएगा, सॉरी यहां पे एक घात दो रहेगा इधर तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रूट एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, इसी प्रकार से सभी कणों का अपॉन ये जो एम है अर्थात कुल द्रव्यमान एम। अब यदि विभिन्न दूरियों पर स्थित जो सभी कण हैं हम यह माने कि सभी कणों का द्रव्यमान एक समान है, क्या मान लिए कि यदि m1 m2 बराबर m, या ऐसा कहें m1 m2 जितने कण हैं समस्त कणों के लिए द्रव्यमान बराबर m, तब इस समीकरण में यहां पर इस सूत्र को और आगे लिख लेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू रूट यहां पर हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर आगे अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है यह m क्या है जितने कण हैं पहला कण r1 दूरी पर स्थित कण का द्रव्यमान m, r2 वाली दूरी पर भी कण की स्थित कण का द्रव्यमान m है, अगली दूरी पर भी स्थित कण का द्रव्यमान m है, इस प्रकार से क्रमशः। और यह क्या है उस पिंड का द्रव्यमान, मान लें कि वह पिंड जो है पूरा n कणों से मिलकर बना हुआ है और चूंकि अभी हम मान रहे हैं कि सबका द्रव्यमान बराबर है m है तो क्या हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा m बराबर n इंटू यानी कणों की संख्या गुणा ये द्रव्यमान, यह कुल द्रव्यमान है ये और ये अलग अलग कणों का, यदि सबका द्रव्यमान एक समान माने तब की स्थिति के लिए तो कुल m इक्वल टू इस कैपिटल अर्थात सांकेतिक रूप में ऐसा कहें कैपिटल m इक्वल टू कैपिटल n इंटू स्मॉल m जहां पर ये कणों की संख्या है।
अर्थात इसको लिख लेंगे m इंटू एन, इस मान को यहां पर रखें तो m n इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर ये डैश डैश, या यहां पर एक पद और आएगा ये k की घात दो, इसमें हम m के स्क्वायर लिए हैं तो यहां पर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अभी हम इस सूत्र से लिए हैं, इसको समान द्रव्यमान को यदि परिभाषित कर रहे हैं तब इस सूत्र से m के स्क्वायर इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर क्रमशः आगे या m इक्वल टू इतना, तब m n के स्क्वायर इक्वल टू एम आर वन प्लस एम आर टू प्लस एम आर थ्री या एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, इधर जाएगा एम एन के स्क्वायर, एम और एम कैंसिल हो जाएगा ये, तब प्राप्त होगा के स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर या के इक्वल टू रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश एन के स्क्वायर, यहां पर एन रहेगा एन के स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डैश या के इक्वल टू डायरेक्ट ले लें तो के इक्वल टू आ जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर अपॉन एन और पूरे का वर्गमूल। इस व्यंजक से देखते हैं हम तो हमें के इक्वल टू प्राप्त होता है रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर तो यहां पर हम इस समीकरण पर पहुंचे अब कि k इक्वल टू रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री प्लस डैश 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 इस रूप में क्रमशः जितने कणों से अपॉन n कुल कणों की संख्या का वर्गमूल। क्या निष्कर्ष आया इसमें कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या अर्थात यहां पर जैसा कि संकेत के लिया गया है k पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरी, ये दूरी ये दूरी अगले की दूरी ये क्रम, उस दूरी के वर्ग के माध्य मूल के बराबर, उन दूरियों के वर्ग के माध्य का मूल के बराबर होता है। देखते हैं क्रम फिर से एक बार इस टॉपिक को देखिए, ध्यान दीजिए कि घूर्णन त्रिज्या को हम विभिन्न कणों के रूप में एक साथ लेकर चले, अगर हम मान लो कि एक्स वाई अक्ष के परितः यह पिंड है, यह पिंड गति कर रहा है, इस पिंड की घूर्णन त्रिज्या है के, पिंड का द्रव्यमान है m, अर्थात ऐसे कह लें कि m द्रव्यमान वाला कोई पिंड के घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है जिसकी घूर्णन त्रिज्या है के, तब I इक्वल टू एम के स्क्वायर, परंतु यह सूत्र लेंगे हम I इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, I बराबर एम आर आर की घात दो, तो इन दोनों सूत्रों से नहीं तो एम के स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कि ये जो पिंड है इस पिंड में अलग अलग दूरियों पर जो कण हैं m r1 दूरी पर r2 दूरी पर उनके लिए जड़त्व घूर्णन अर्थात m1 r1 स्क्वायर पहले कण के लिए जो अक्ष से r1 दूरी पर है, दूसरा कण जो अक्ष से r2 दूरी पर है, तीसरा कण यदि लेते हैं तो r3 दूरी पर ये, और यदि हम मान करके चलें कि समस्त कणों के जो हैं जो कुल द्रव्यमान m द्रव्यमान वाला जो पिंड है वह m1 m2 m3 इस प्रकार के कणों से बना हुआ है द्रव्यमान वाले, तो
ये दूरियां, तो m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, ये क्रमशः हो जाएगा अपॉन ये मान इक्वल टू आएगा इधर m k square, यहां पे m जो है कुल द्रव्यमान है, ये गुणन त्रिज्या। इसको और सॉल्व करें तो क्या जाएगा, k m k square इक्वल टू ये, इस स्थिति में k का मान, यहां पर ये k का मान होगा जो, तो यह m नीचे आ जाएगा और ये रूट बन जाएगा, तो k इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा रूट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये रूट अपॉन m। अब यदि यह मान लें कि प्रत्येक कण समान द्रव्यमान वाले हैं, दूरियां भले भिन्न भिन्न हैं r1 r2 दूरियों पर, तब उस स्थिति में m k स्क्वायर इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर, यहां पर जो द्रव्यमान था यहां भी m हो गया, यहां भी m हो गया ये, और इस m का तात्पर्य कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो चूंकि समस्त कणों के द्रव्यमान समान है इसलिए कणों की संख्या गुणा किसी एक कण का द्रव्यमान, क्योंकि सभी द्रव्यमान उसके बराबर हैं, तो कुल द्रव्यमान m इक्वल टू कैपिटल m इक्वल टू स्मॉल m इनटू n। इस मान को यहां पर रखे तो m n k स्क्वायर, इस मान को रखे तो क्या आया, कहां पर रखे इसमें, तो यहां पर क्या जाएगा m n k स्क्वायर इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर एम आर टू स्क्वायर, इस रूप में समीकरण। इससे ये एक इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे तो m इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, इस प्रकार से m और m कैंसिल हुआ तो एन के स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, या इस n को आगे सॉल्व करेंगे तो n नीचे आ जाएगा, k का रूट लग जाएगा, तो k इक्वल टू हमको फाइनल सूत्र प्राप्त होगा, तो k इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन एन पूरे का रूट, अर्थात किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरी के वर्ग के माध्यमूल के बराबर होता है। तो यह था जड़त्व आघूर्ण, और उसके बाद हमने पढ़ा घूर्णन त्रिज्या के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। आज आपको घूर्णन त्रिज्या के बारे में बताया गया, उस घूर्णन त्रिज्या के जो जिसको कि हम व्यंजक के माध्यम से समझाए थे, उसमें के इक्वल टू आई अपॉन एम, फिर के इक्वल टू रूट आई अपॉन एम, इस प्रकार से बताया गया। यहां पर यह पद त्रुटिपूर्ण है, जिसे सुधारेंगे। यहां पर k का मान इस रूप में न होकर के यह ऐसा रहेगा k स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां पर पहले इस व्यंजक में जब बताए थे व्यंजक को इस टॉपिक के बारे में घूर्णन त्रिज्या के बारे में, तो घूर्णन त्रिज्या में k इक्वल टू आई अपॉन एम लिखा गया, उसके बाद k इक्वल टू रूट आई अपॉन एम, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर k में यहाँ पर घात छूटा हुआ था, अर्थात यह सही रूप होगा इसका, सही k स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम, या फिर k इक्वल टू रूट आई अपॉन एम। यह किस चीज के बारे में है, ये घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, तो घूर्णन त्रिज्या में जो व्यंजक बताए हैं उसमें इसको यहां पर सुधार कर लीजिए, और सुधार के रूप में क्या आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम, फिर अगला पता जाएगा k इक्वल टू रूट आई अपॉन एम। ठीक, धन्यवाद।